काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश में शुरू की जाने वाली लाडली बहन योजना की राशि लंबे समय से नहीं बढ़ी आई और एक अलग कांग्रेस के द्वारा सीएम से 3000 रुपए के मांग की गई है। कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि बीजेपी झूठ के दम पर चुनाव जीती है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के द्वारा सीएम से मांग की गई है कि राशि 3000 तक की जाए। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल माम पूजा अपना पंचे सभ्यजन का प्रणाम करते शुरू करी थे बड़ी खबर से। बता दी के मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा शुरू की जाए वाली लाडली बहन योजना की राशि लंबे समय से नहीं बढ़े पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के द्वारा सीएम मोहन से मांग की गई। उनके द्वारा कहा गया रहा कि लाडली बहन इनके खाता में जल्द से जल्द बड़ी राशि डाल दी जाए। एक साथ है उनके द्वारा खेत में गेहूँ और धान के समर्थन मूल्य के वृद्धि करे के मांग की गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा एक्स पर लिखा गया कि मुख्यमंत्री जी आप वीडियो जारी करके लाडली बहनों पर जो उपकार कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वोट झपटने के लिए चुनाव में जो आपने वादा किया था वो अभी तक अधूरा है। बीजेपी के भरोसा शिवराज के साथ मोदी की गारंटी जैसा कई एक चुनावी नारा लगाए कि बहन इन कहे भ्रम रखा गया कि सत्ता मिलता है उनका 3000 रुपया प्रतिमाह दी जाए। जीतू पटवारी के द्वारा आगे कहा गया कि अपना के सरकार 6 महीना बाद सिर्फ झूठे बोल रही है और वादा का पूरा करे से बचल लाही है। मध्य प्रदेश के लाखन की संख्या मार लाडली बहन के अपमान या काहे की जाला है या अपमान बिल्कुल सही नहीं आए। पटवारी के द्वारा आगे लिखा गया कि आप जो राशि दे रहे हैं वह आसान नहीं है बल्कि लाडली बहनिन के अधिकार है। कहे से कि यही झूठ के दम पर भाजपा अपन लूटी सत्ता का बचाए रही। बेहतर यह हुई कि लाडली बहनिन का तत्काल 3000 रुपया प्रतिमाह के राशि के भुगतान शुरू की जाए और पिछले 6 महीना के बकाया घलाएं उनके खाता में जमा की जाए। बता दें कि लाडली बहना योजना की शुरुआत 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई रही। ये योजना के तहत हर महीना लाडली बहनों के खाता में पहले 1000 रुपया राशि डाली जाती रही जिसका बढ़ाए के 1250 तक की गए। बाद में राशि का बढ़ाए के 3000 रुपया दे के ऐलानों की गया रहा लेकिन फिलहाल सीएम मोहन यादव के द्वारा ऐसा कोनो संकेत नहीं दिया गया है। दूसरे कई कांग्रेस बार बार ये योजना का लेके अब सवाल खड़ा कर रही है। सजग रही सतर्क रही रखी आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल दे इजाजत प्रणाम।